Hello students, I am S.k.srivastav from the best English classes near of Rani Physics. मैं आपको आज अपने YouTube चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आपका आज का जो पोयम है इसका नाम है यह आपका क्लास 12th बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश का एक पोयम है जिसका नाम है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ, एपिटाफ का मतलब क्या होता है आप इसको समझिएगा। अगर किसी इंसान का डेथ होता है, अगर कोई आदमी मर जाता है और उनके मरने के बाद उनके मृत स्थल पर, मृत स्थान पर हम एक छोटा सा घर बना करके, समाधि बना करके जो कुछ भी लिखते हैं उसी लेख को बोलते हैं समाधि लेख। जी हाँ दोस्तों, आपका जो आज का पोयम है इसका नाम है एन एपिटाफ और इसका हिंदी होता है समाधि लेख। समाधि बोलूँ तो अगर किसी इंसान का जब डेथ होता है, जब कोई आदमी मर जाता है तो उनके मरने के उपरांत, उनके मरने के बाद जहाँ उसको हम दफनाते हैं और दफनाने वाले जगह पर एक छोटा सा घर बना करके जो लिखते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं उसी लेख को बोलते हैं समाधि लेख। एक्चुअली एक एलेजी है, एलेजी का मतलब होता है शोक के। अब देखिए इनके पोएट कौन है, वाल्टर डीला मेयर। देखिए आपको याद कैसे रहेगा, वाल्टर को आप रिमूव कर दीजिए, बच्चा आपका ढीला, इसको पर आप ढीला ढेला, और ये आपका मेयर है, इसको पर आप मारे मारे। इस दुनिया में दो टाइप के लोग पाए जाते हैं, एक अच्छे इंसान और एक बुरे इंसान। और मानव का नेचर है वह हमेशा अपनी भलाई करता है, दूसरों की हिनाई करना चाहता है, इसीलिए वह अपने से अच्छे इंसान का डिस्कशन, उसका डिस्कस, उसका चर्चा नहीं करता। अपने से जो जिनके बारे में लगता है क्या कि हमसे बुरा है उनका करता डिस्कशन, उनका करता चर्चा, क्योंकि दूसरों की बुराई और अपनी अच्छाई करने में हर इंसान को अच्छा लगता है, ये मानव का नेचर है। देखिए इसको याद करने का आपका ट्रिक क्या है, पाठ का नाम है पोयम का नाम है एन एपिटाफ। इसको लिखने वाला जो आपका पोएट है उनका नाम है वाल्टर डीला मेयर। और आपको याद कैसे रहेगा, एपिटाफ का मतलब होता है समाधि। आप सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि समाधि जो है किसी बुरे इंसान का, अच्छे इंसान का नहीं है। तो अगर कोई बुरा इंसान मरता है तो उनके मरने को उपरांत, उनके मरने के बाद भी लोग उनके समाधि पर ढेला मारता, मतलब ये कि समाधि पर ढेला मारे, समाधि पर ढेला मारे, समाधि पर ढेला मारे। मैं इस बात को एक बार फिर से बोलता हूँ, आपके पोयम का नाम है एन एपिटाफ जिसका हिंदी होता है समाधि लेख। समाधि लेख का मतलब होता है जब किसी इंसान का मृत्यु हो जाता है और उनके मृत्यु के बाद उनके मृत स्थल पर एक छोटा सा घर बना करके हम जो कुछ भी लिखते हैं उसी लेख को बोलते हैं समाधि लेख। ये वास्तव में एक एलेसी है जिसका मतलब होता है शोक गीत। अब आपको हम क्या बोले, आप सपोज कीजिए कि समाधि जो है किसी बुरे इंसान का है, तो बुरे इंसान को मरने के बाद भी जो है उनको लोग उनके बारे में बुराई करते हैं, मतलब ये उनके समाधि पर ढेला मारते हैं, मतलब क्या समाधि पर ढेला मारे, समाधि पर ढेला मारे, समाधि माने क्या एपिटाफ, ढेला मारे, ढेला मारे माने क्या डीला मेयर, माने वाल्टर डीला मेयर। अब आप आगे आइए, ही वाज बोर्न, इनका जन्म हुआ था इन 1887, ही वाज बोर्न इन 1887, इनका जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में, एंड ही वॉज डाइड, इनका मृत्यु हुआ, ये मर गए इन 1956।
1956 में, इनका जन्म हुआ 1873 में और ये मर गए 1956 में। अब आगे देखिए इनका बोर्न प्लेस कहाँ है, इनका जन्म स्थल कहाँ है, इनके बारे में देखिए। बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्लटन इन केंट इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है केंट, और केंट में केंट के चार्लटन नामक गांव में। एक बार फिर से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए मैं एक्चुअली भारत देश का नागरिक हूं, भारत देश में बिहार एक राज्य है और बिहार राज्य में सीतामढ़ी एक डिस्ट्रिक्ट है और उसी डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुआ है। इसी प्रकार से इंग्लैंड एक कंट्री है, इंग्लैंड कंट्री का एक शहर है जिसका नाम है केंट, और केंट में चार्लटन नामक एक विलेज है, एक गांव है जो वाल्टर डिलामेयर का बोर्न प्लेस है, मतलब ये जो है इनका जन्म स्थल है। अब अगर आपसे आगे बात किया जाए तो मैं इनके बारे में आपको एक बात बता दूं, वाल्टर डिलामेयर मात्र 4 वर्ष की अवस्था में अपने पिताजी को खो दिए। अगर आप 10th बिहार बोर्ड से किए हैं तो आपको पता होगा 10th क्लास का जो आपका गदखंड है, मतलब जो आपका कहानी है, उसके तीसरा पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखे, और भारत से हम क्या सीखे इनके जो लेखक हैं उनका नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। और जिस तरीके से फ्रेडरिक मैक्स मुलर साहब जो है अपने पिताजी को मात्र 4 वर्ष की अवस्था में खो दिए, उसी प्रकार जस्ट लाइक वाल्टर डिलामेयर हैड लॉस्ट हिज फादर ओनली एट द एज ऑफ 4 इयर्स, मतलब ये कि जब ये 4 वर्ष के थे, जब वाल्टर डिलामेयर का उम्र मात्र 4 साल था, उसी समय इनके पिताजी का डेथ हो गया। अब आपको ये बात समझ में आता होगा, बचपन वह उम्र होती है जब इंसान को मोहब्बत की आवश्यकता होती है अपने पिताजी का, अपने माताजी का। और आपको यह भी पता होगा कि आपके समाज में अगर कोई लेडीज, अगर कोई स्त्री लेट से अपने घर पहुंचती है तो समाज के जो लोग हैं उन्हें लेट दृष्टि से, उन्हें खराब नजरों से देखते हैं। और आपको तो ये पता है, आप इस बात को जानते हैं कि जिस परिवार का जो गार्जियन है, जो पैसा कमा करके अपने फैमिली के जो मेंबर हैं उनका पालन पोषण करते हैं, अगर वह मर जाते हैं तो उनके फैमिली मेंबर में मुसीबत का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है, इस बात को आप सोच सकते हैं। मतलब ये कि वेन वाल्टर डिलामेयर फादर वॉज डाइड, जब वाल्टर डिलामेयर के पिताजी मर गए, उनका डेथ हो गया, देन दैट टाइम तब उनके माता जी उनके पूरे फैमिली को लेकर के इंग्लैंड का कैपिटल, इंग्लैंड का राजधानी लंदन चले गए और वहीं पर जो है सेट हो गए। अब आप आगे आइए, इनके पिताजी नहीं थे जिसके चलते ये हमेशा अपने पिताजी को याद करते थे। बचपन में ही इनके सर से इनके पिताजी का साया छिन गया, जिसके चलते एक बच्चा के जिंदगी में, एक बच्चे के लाइफ में क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस है उनके पिता का, इन बातों को ध्यान में रखते हुए वे बहुत सारी कविताएं लिखे हैं बच्चों का, मतलब कि चिल्ड्रेन पर, जिसके चलते आगे चलकर जो है वो चिल्ड्रेन पोएट के रूप में, चिल्ड्रेन पोएट के नाम से जाने गए। हमने यहाँ पे लिखा है कि ही इज नोन एज, वे जाने जाते हैं और चिल्ड्रेन पोएट। आपके एग्जाम में आएगा कि वाल्टर डिलामेयर को हम किस नाम से जानते हैं, वाल्टर डिलामेयर इज नोन एज, तो आपको लिखना है चिल्ड्रेन पोएट, मतलब वाल्टर डिलामेयर जो है ये बच्चों के कवि के नाम से जाने जाते हैं, एंड और मॉडर्न पोएट ऑल्सो, और आधुनिक कवि के नाम से ये जाने जाते हैं। अब इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है देखिएगा, हिज फेमस वर्क्स, इनकी प्रमुख रचना है द लिसनर्स, कम हिदर, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन,
एंड पीकॉक पाई। देखिए ये जाने जाते हैं द लिसनर और कम हिदर, इन दोनों को चलते हैं। और आपका जो सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, ये दोनों जो है इनके द्वारा रचित ऐसी रचना है, लिखी गई ऐसी किताबें हैं जिसने इंसान को ये वास्तविक जिंदगी से परिचय करवाया है कि कभी भी इंसान को जो है ख्वाबों की दुनिया में जीना नहीं चाहिए, इंसान को हमेशा कल्पना के सागर से बाहर रहना चाहिए, हमेशा धरातल पर चलना चाहिए। इसके बारे में ये बात किए हैं। क्या बोलते हैं उसको, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। और देखिए एंड एंड ही रोट एंड ही रोट सॉरी एंड ही रोट डब्ल्यू आर ओ टी ई एंड ही रोट और वे लिखे हैं मेनी अदर पोएम्स एंड नॉवेल्स आल्सो। मतलब ये कि वारेंटर डीला मेयर द लिसनर कम हिदर सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई के अलावे भी बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं और नॉवेल्स लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। अब अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो आपको इससे मिलेगा क्या कि इन 1953 1953 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय महारानी थी, इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट प्राइज से सम्मानित किए। एक बार मैं आपको फिर से बोल दूं, इन 1953 1953 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ मतलब ये क्वीन, ये महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने 1953 में इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए हुए हैं। अब मैं इस पोएम का जो थीम है इसके बारे में बोलता मात्र एक लाइन, क्योंकि अधिक बोलूंगा तो ये जो आपका वीडियो है लंबा हो जाएगा। मैं इसका पूरा समरी एक एक वर्ड पर करके जो है इस वीडियो का यह पागा ये एंड किताब का फर्स्ट पार्ट है। मैं इसके सेकेंड पार्ट में इसके पोएम के एक एक वर्ड को तोड़ करके डालूंगा। मैं इसमें इसलिए नहीं बोलना चाहता उसके बारे में क्या मेरी वीडियो है लंबा हो जाएगा। मेरी बात को सुनिए, इस पोएम का जो आपका थीम है वो है कि वेस्टर्न कंट्री के एक महिला है जिनके बारे में बोलते हैं क्या कि वो सबसे सुंदर थी। पोएट का मानना यह है कि वेस्टर्न कंट्री की एक महिला है जिनके बारे में ये लिखे हैं वो वेस्टर्न कंट्री की सबसे सुंदर महिला थी। जब वो जीवित थी तो उनसे मिलने के लिए ना जाने कहां कहां से विभिन्न देशों के कोने कोने से लोग आते थे और उनसे मिलते थे, और उनके मरने के बाद उनके बारे में कोई पूछने वाला भी नहीं रह गया कि ये कौन है, इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया है, इनका क्या योगदान है। इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं आपके मरने के बाद आफ्टर योर डेथ आपके सोसाइटी के आपके कंट्री के जो लोग हैं आपको याद करें, तो मुद्दा ये नहीं है कि आप कितने अमीर हैं कितने हैंडसम हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज के लोग आपके मरने के बाद आपका नाम याद करें, आपका नाम उदाहरण के तौर पर ले, तो आपको अपने समाज के लिए कुछ करना होगा जिससे आपका नाम हमेशा आपके समाज के लोग उदाहरण के तौर पर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।